शासकीय सड़क पर पक्का निर्माण कर किया गया अवैध अतिक्रमण, नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 में एजी कॉलेज रोड राजू डेरी के सामने पटरा में राम जी उर्फ रम्मू विद्या गुप्ता व उनके अन्य सरंग साथियों द्वारा अवैध शासकीय जमीन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण कर अवैध पक्के दीवार को बनवाया जा रहा है, जिससे जागेश्वर प्रसाद कुशवाहा वगैरह सभी का डीपी सिंह के घर के सामने पानी निकासी का चैम्बर तक पहुंचने में पानी का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, जिसको लेकर के नगर निगम में कई बार शिकायत भी की गई लेकिन नगर निगम प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में फरियादी माधव सिंह द्वारा नगर निगम में शिकायत भी की गई थी। उनका कहना था कि इसके वजह से पानी का निकास मुख्य सड़क की ओर हो रहा है, जिसके कारण पानी एकत्रित हो रहा है, जिससे मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं तथा गंदगी के चलते गंभीर बीमारी का भी खतरा फैल रहा है। पानी के कारण आवागमन का मार्ग भी प्रभावित हो रहा है तथा सड़क दुर्घटना होने की गंभीर संभावनाएं हैं। पूर्व में भी 17 सितंबर 2024 को नगर निगम में फरियादी के द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। माधव सिंह जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या अपने पानी की है, जैसे सरकारी जमीन है और यहाँ से पानी निकालने के लिए इस पर नाली बनी नहीं है, इस पर बनी है तो इस पर जाने के लिए सामने से विद्या गुप्ता के सामने से नीचे पानी जाता था, तो इन्होंने बंद कर दिया। फिर 29 तारीख को पिछले महीने तो पाइप जब तोड़ दिए, मार्केट किए तो हम कुछ नहीं कहे, फिर से दोबारा पाइप लगाए, फिर पाइप तोड़ दिए और ये दीवार उसके ऊपर से जोड़ दिया। नगर निगम वाले यहाँ टैंक खन गए, नाली पहले से भी बनवाए थे तो ये लोग भाट दिए, घर घर वाले हमें भटवाए थे, तो इसी में हमारा पानी सोख जाता, तो जबरन ये मेरा पत्थर तोड़ दी जिसका ढक्कन लगाए थे पानी का और उधर दीवार खड़ा कर दी। दीवार आप भी देख सकते हैं कि हमारे सामने है, ये सरकारी है तो हम रास्ता अवरुद्ध होता है। माधव सिंह जी, फिर इसके बाद आपने क्या शिकायत की थी? आप नगर निगम में मैंने जाके निवेदन किया, पार्षद से भी कहा। नगर आपका पार्षद का क्या नाम है? हमारे पार्षद का सपना सिंह वर्मा नाम है। कौन सा पार्टी? वार्ड नंबर 3 है। तो पार्षद ने क्या आश्वासन दिया आपको? पार्षद ने फोन किया कि उनको रुकवा देंगे, आज हम बिल्कुल में दूर हैं, जमीन नहीं है, कल रुकवा देंगे। तो हमने कहा कल भी बनवा लेंगे, जैसे कब्जा कर लें सरकारी जमीन में, आपकी जमा कर लें तो हमारा तो रास्ता रुक गया, पानी रुक गया, तो आज ही करिए। तो उन्होंने कहा कि आज नगर निगम का भी सकती है, कुछ नहीं हो पाएगा, कल हम गिरवा देंगे। दूसरे दिन आई भी उड़न रास्ता नगर निगम से, जब 14 तारीख को मैंने नगर निगम में निवेदन किया कमी उधर रास्ता आई, लेकिन हम तो कुछ नहीं बोले, वहीं से निवेद के चले गए, नहीं गिराए करके। हमारा पानी हमारा कहाँ जाए? क्या जिन्होंने ये नाली भटवा के दीवार उठाई तो क्या आपने उनसे बात की? हम तो थे नहीं, हम गांव में रहते हैं। तो क्या उसके आने के बाद क्या आपको बात की? हाँ, तो उन्होंने कहा कभी पहचानते नहीं हो, जान से मार के हम लाश गायब कर देते हैं। आप उनका क्या नाम जिन्होंने ऐसा कहा? रामजी गुप्ता सही नाम है, रामू रामू कहते हैं। और हमारा कोई विवाद नहीं, हम चाहते हैं कि बढ़िया खुशियों से रहें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जैसे सुबह 7 बजे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को घर से भेजते हैं पढ़ने, लेकिन ये वीडियो गेम में गलत शिक्षा दिखा दिखा के बच्चों को भविष्य पर करते हैं।